मेरा सवाल है कि मैं एक टेलर हूँ, इस लिहाज से कि जो कपड़ा बचता है वो हमारे लिए रखना जायज है या नहीं, अगर ग्राहक ना भी मांगे फिर भी इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा दें। देखिए, दारोमदार है कपड़े की नौइयत पर, कपड़ा कितना है। थोड़ा कपड़ा है कतरन टाइप तो जो है वो गाहक को एतराज़ नहीं होता, ये हमारे यहाँ उर्फ है। लेकिन बड़ा कपड़ा हो तो फिर गाहक को तहफ़ुज़ात होते हैं, और इसकी एक पहचान ये है कि दर्जी जो है वो छुपा रहा होता है कि जी कोई कपड़ा ख़ास नहीं बचा। तो मतलब ये कि ख़ास अगर बचा होता तो वो ज़रूर इसे बताता। तो ये एक खुद दिल से जो है वो पूछ लेने की हाजत है। तो जो कपड़ा उर्फ से हटकर ज़्यादा बच गया है उसके बारे में तो जो है वो गाहक को एतमाद में लिया जाएगा, लेकिन जो कतरन बच जाती हैं इस पर हमारे यहाँ उर्फ यही है कि कतरन वगैरह जो हैं ये इस्तेमाल में आ जाती हैं। ऐसा है मुफ्ती साहब, ये जो कतरनों का आपने इरशाद फरमाया है, बाज़ सूरतों में कतरनें भी तो बिकती हैं ना, और वो भी यानी कि कीमती होती हैं, अगरचे वो उनकी एक मखसूस मकदार होनी चाहिए उसको सेल करने के असल लिए। कीमती होने पर तो वो नहीं है कि वो भी जमा होकर बिकी जाती हैं। असल चीज़ ये है कि लोग छोड़ देना पसंद करते हैं या लेना पसंद करते हैं, ओके ओके, तो उर्फ ये है कि लोग जो है आमतौर पर लेते नहीं हैं उसको। ठीक है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह।